back to another video. आपका आज की वीडियो में स्वागत है. और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है When Pakistani and Indian people help each other. वैसे बहुत मुझे टाइटल ही बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज्यादा भावक हो रही हूँ ना. अच्छा, भावक हो रही है जानने के लिए कि वो कौन से ऐसे मौके थे जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की. वैसे तो पता चलता रहता लेकिन डेफिनेटली वीडियो में कुछ स्पेशल होगा जो हम लोगों को नहीं पता होगा. एनीवे अभी देख लेते हैं वीडियो. लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को. उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें. तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, डिस्कस हम लोग कैसे करो. लेट्स स्टार्ट नाउ द वीडियो. Hello friends, Assalamu Alaikum and welcome to Reality TV. दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी ममालिक के लोगों ने कई बार एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद भी की है और ये साबित किया है कि दोनों ममालिक के लोग दरअसल अमन चाहते हैं. इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ वाकयात के मुतालिक बताऊंगा. सबसे पहले बात करते हैं 30 दिसंबर 1981 यानी 1981 को पेश आने वाले एक वाकये की. इंडियन जहाज बोइंग 737 दिल्ली की तरफ परवास कर रहा था कि इसको रास्ते में ही 5 हाईजैकर्स ने अगवा कर लिया. इस जहाज में 117 लोग सवार थे. अगवा करने वाले 6 सेपरेटिस्ट मूवमेंट से ताल्लुक रखते थे. जहाज को लाहौर की तरफ उड़ा लिया गया. इन अगवाकारों ने पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी के सामने अपनी डिमांड्स रखी. ये लोग अपने कुछ साथियों की रिहाई चाहते थे. जहाज में मौजूद मुसाफिरों की जान सख्त खतरे में थी, लेकिन फिर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने कमाल महारत के साथ सुबह 7:45 बजे इस जहाज में ऑपरेशन कर मौजूद 5 हाईजैकर्स को काबू कर लिया. इस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और पाकिस्तान आर्मी की बर्बाद कार्रवाई ने इस जहाज के अंदर मुसाफिरों को एक बड़े हादसे से बचा लिया था. इन 5 हाईजैकर्स को पाकिस्तान में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सन 2000 में इनको इनकी सजा मुकम्मल होने के बाद इंडिया के हवाले कर दिया गया. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कराची की सबा तारिक अहमद की. 2015 में 15 साल सबा तारिक अहमद को विल्सन डिजीज नामी एक रेयर बीमारी होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बारे में इंडिया में काफी रिसर्च हो रही थी और इसका इलाज इंडिया में मुमकिन था. सबा अहमद की वालदा नाजिया अहमद अकेले 3 बच्चों को पाल रही थी और ये इंतहाई कम पैसों के साथ इंडिया अपनी बेटी का इलाज कराने पहुंच गई. सबा को मुंबई के जेस्लॉक हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया, लेकिन सबा के इलाज के लिए 13 लाख रुपए की जरूरत थी. उस वक्त एक इंडियन अखबार ने इस कहानी को पब्लिश कर दिया. दोस्तों, ये कहानी छपते ही मुंबई के लोगों की तरफ से सबा के इलाज के लिए पैसे जमा होना शुरू हो गए. देखते ही देखते कुछ घंटों में सबा के इलाज के लिए 113 लोगों ने 13 लाख रुपए जमा कर लिए. इसके अलावा कई एनजीओ भी सबा की मदद करने सामने आ गई. 49 दिन इंडिया रहकर सबा अपनी कामयाब इलाज कराकर पाकिस्तान वापस आ गई और सबा की वालदा ने इंडियन लोगों के रवैये और उनकी मदद की दिल खोलकर तारीफ भी की. दोस्तों, अब बात करते हैं गीता की कहानी की. गीता एक ऐसी बच्ची थी जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी. गीता सिर्फ 11 साल की उम्र में बॉर्डर क्रॉस कर गलती से इंडिया से पाकिस्तान आ गई. गीता उस वक्त बेहद छोटी थी और नहीं जानती थी कि वो कहाँ आ गई. गीता को कई बार पाकिस्तान में शेल्टर होम्स में दाखिल कराया गया, लेकिन गीता वहां से भागने की कोशिश करती. तब गीता को ईदी फाउंडेशन में दाखिल कराने का सोचा गया. मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी और उनकी वाइफ बिल्कीस ईदी ने गीता को अपने बच्चों की तरह पाला. इनको गीता के हाथ के इशारों से पता चला कि वो एक हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती है, तभी इन्होंने गीता का नाम गीता रखा था. गीता के लिए इसके मजहब के लिहाज से अलहदा से एक कमरा भी बनाया गया जहां इस पर कोई रोक टोक नहीं थी. ईदी फाउंडेशन में गीता ने 14 साल गुजारे और खुद गीता ने सही बात है लिखकर कहा कि ईदी फैमिली ने उसको इसके घर की कमी महसूस नहीं होने दी. ईदी फैमिली और पाकिस्तान के एक और जाने माने सोशल वर्कर अंसार बर्नी ने गीता की फैमिली को इंडिया में ढूंढने की बेहद कोशिश की. अक्टूबर 2015 में आखिरकार गीता तकरीबन 14 साल बाद अपने मुल्क इंडिया वापस चली गई.
गीता का इतना मोहब्बत से ख्याल रखने पर ईदी फैमिली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेल्टर होम चलाते हैं को इंडिया में भी बेहद सराहा गया। दोस्तों ऐसे कई और वाकये मौजूद हैं जब दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की मदद करने सामने आ गए। इसमें इंडियन सुपरस्टार एक्टर आमिर खान का शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फंड इकट्ठे करने के लिए पाकिस्तान आना भी शामिल है। वैसे तो पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की पाकिस्तान का पहले कैंसर हॉस्पिटल बनाने में दिल खोलकर मदद की, लेकिन इस नेकी में आमिर खान ने भी अपना हिस्सा डाला और शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे करने दिसंबर 2004 में पाकिस्तान पहुंच गए। आमिर खान ने अपने 3 दिन के विजिट में बेशुमार इवेंट्स और चैरिटी डिनर्स अटेंड किए। इसके अलावा इन्होंने एक लाइव ट्रांसमिशन में भी हिस्सा लिया जहां इन्होंने शौकत खानम के लिए इमरान खान के साथ बैठकर फंड्स इकट्ठे किए। दोस्तों कैंसर ये नहीं देखता कि वो एक पाकिस्तानी को हुआ है या फिर एक इंडियन को। आमिर खान ने यही बात साबित की। पाकिस्तानियों ने भी आमिर खान को बेहद प्यार से 3 दिन तक अपने पास रखा। दोस्तों ऐसा ही एक वाकया 2010 का है जब वेसल एमवी स्विज नामी बहरी जहाज को सोमाली पायरेट्स ने हमला कर अपने कब्जे में ले लिया। ये बहरी जहाज सामान लेकर जा रहा था और इसका ताल्लुक मिस्र से था। इसके हमले में 4 पाकिस्तानी, 6 इंडियन, 11 इजिप्शियन और 1 श्रीलंकन भी शामिल था। सोमाली कजाकों ने इनकी रिहाई के बदले तकरीबन $2 मिलियन का मुतालबा किया। महीनों गुजर गए और कुछ नहीं हो सका। इस मुश्किल घड़ी के मौके पर पाकिस्तान के मशहूर सोशल वर्कर अंसार बर्नी इन लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो गए। जून 2011 में अंसार बर्नी ने लोगों से डोनेशन इकट्ठा कर और गवर्नर सिंह के तावन से पैसों का बंदोबस्त किया और ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को सोमाली कजाकों के कब्जे से छुड़ाया बल्कि बाकी तमाम लोगों को आजाद करवा लिया जिनमें इंडियंस भी शामिल थे। ये लोग 10 माह कैद में रहने के बाद आजाद हुए थे। बाद में इंडिया से ताल्लुक रखने वाले 6 लोगों की फैमिलीज ने अंसार बर्नी का शुक्रिया अदा किया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अब्दुस्तार अहदी साहब का जिन्होंने इतना यानी कि पाकिस्तान के लिए जितना उन्होंने काम किया ना मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई कर सके जितना उन्होंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में किया है। मैं एक पोस्टर भी देख रहा था थोड़े दिन पहले जब इनकी डेथ हुई थी ना तो मैं एक पोस्टर देख रहा था इंडिया में भी बाकायदा इनके नाम का एक पोस्टर जो है वो बिलबोर्ड जो होता है वो लगाया गया था और मैंने अपनी जिंदगी में वाकई इनसे ज्यादा आजीज बंदा नहीं देखा। सीरियसली बहुत हम्बल थे, बहुत ज्यादा हम्बल थे। मुझे भी लगता है कि ऐसा इंसान पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी कोई ऐसे पैदा हो सकते जितने अच्छे वो थे। मतलब खुद उन्होंने बहुत सिंपल सी लाइफ गुजारी लेकिन लोगों के लिए बहुत सारी सहूलतें। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवरऑल जैसे एक केस था कराची की जो बच्ची थी उनको जो प्रॉब्लम हुई और फिर उसके लिए पूरी मुंबई के लोगों ने मतलब सिर्फ पूरे मुंबई में सिर्फ 113 लोगों ने जो है ना मिलके वो थोड़ी सी अमाउंट यानी कि जो यानी कि 13 लाख रुपया छोटी अमाउंट नहीं बहुत बड़ी अमाउंट है लेकिन सिर्फ 113 लोगों ने मिलके इकट्ठी कर ली। तो सीरियसली ये चीज उनसे ना बहुत ही दिल को छू लेने वाली होती है और बहुत सारे लोगों लगेगा कि शायद वीडियो देखते थे मैं वो मुझे फ्लू हो गया है लेकिन मुझे फ्लू नहीं मैं थोड़ी भावक हो रही थी कि मतलब आपको यू नो ये चीजें बहुत ज्यादा आपको मुझे ऐसा लगता है कि टच करती हैं। मतलब आप फील करते हो ऐसी चीजों को और मुझे तो सीरियसली मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग इतने अच्छे हैं तो पता नहीं क्यों फिर प्रॉब्लम्स इतनी सामने आ जाती हैं। लेकिन देखो हर तरह की जो जहां जहां पर जिस तरीके से जैसे आमिर खान भी आए फिर गीता वाली भी जो चीज जो थी वो और हर लिहाज से किसी ना किसी की यही कोशिश थी कि हम हेल्प करें। यार देखें अगर शुरू से हाईजैकिंग से लेकर एंड तक पायरेट्स तक पायरेट की हाईजैकिंग से देखें तो हर बंदे ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हर बंदे ने जो है कोशिश की है कि हाँ हम पाकिस्तान बिल्कुल हम इंडियन है बस ये कि हम इंसान है और बाकी सबसे पहले यही चीज होनी चाहिए इंसान क्योंकि इंसानियत जो होती है ना उससे बड़ी वाकई कोई चीज नहीं होती। और आज की वीडियो जो है ना इसमें जितनी एक दूसरे की दिखाई गई ना मदद की गई है एक दूसरे की तो मेरा ख्याल है ये जो है ना एक
लेवल है ना उससे भी परे हट की चीज है. पता नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत ये वीडियो लगी है और सीरियसली, और मैं ये नहीं बात सोचती कि मतलब ये अगर पास्ट में हुआ है तो रीसेंट नहीं हो रहा, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इवन जो करते हैं. ऑनेस्टली हम लोग जब अपने सोशल सर्कल में बात करते हैं तो हमें, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन अब ज्यादा इंडियन लोगों के साथ होता है, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि दे आर वेरी लविंग एंड यू नो वेरी हेल्पफुल. हाँ, बहुत हेल्पफुल है और ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है बताकर, क्योंकि पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन जब हम वीडियोस बनाना शुरू हुए, इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला और अभी वही चीजें जो हम दूसरे लोगों को कन्वे करते हैं क्योंकि हमारे साथ पर्सनली ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं. जैसे हम लोगों को मैसेज कर दिया जाता है कि आप आए कमेंट सेक्शन में, हम आपको घुमाएंगे, ईमेल्स की जाती हैं, इवन कि अगर कोई अमेरिका में रह रहा है या किसी और कंट्री में रह रहा है तो वहां पर भी हम लोगों को ये बोला जाता है कि आप हमसे जरूर मिलने आइएगा. तो सीरियसली कह देना ही काफी होता है. जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है तो आप उसको यू नो उसकी ऑफर ले लो, इसी में आपका फायदा भी है. तो लेकिन अगर कोई चार शब्द अच्छे बोल देता है ना तो सीरियसली उसमें भी आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है. सो थैंक यू सो मच कि आज के टाइम में भी हम लोग वो चीजें देख रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी इंसानियत की वजह से हम लोग खुश रहते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो ओवरऑल मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी. आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या आप किसी पाकिस्तान के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं या क्योंकि बिल्कुल फ्रेंडशिप है पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान इंडिया से बाहर भी निकल के जाएं तो वहां पे भी बहुत सारे जो हैं लोग होते हैं यानी कि पाकिस्तानी इंडियंस इकट्ठे मिल के रह रहे होते हैं. अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो हमें जरूर बताएं, जरूर बताएं ईमेल सेक्शन में या हमारे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा. और इसी के साथ हम देखते हैं हमारे वीडियोस करें, लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस करें. And keep us in your prayers till then. Goodbye.